हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कल के इंडियन प्रीमियर लीग के खेले गए एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के बारे में, जो कि था कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। अगर बात की जाए टॉस की, तो केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम 20 ओवरों में 167 रन बनाए थे, जिसके जवाब में CSK 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 157 रन ही बना पाई, जिसके वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 10 रन से जीत लिया। दोस्तों, अगर बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग की, तो राहुल त्रिपाठी के अलावा और कोई बल्लेबाज क्रीज पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज़्यादा 51 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए और 11 गेंदों में केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी। सैम करन, ठाकुर और करण शर्मा को 2-2 और ब्रावो को 3 विकेट मिले थे। दोस्तों, अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी बहुत ही निराशाजनक थी। केवल 167 रनों का पीछा करती हुई चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 157 रन ही बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज़्यादा शेन वॉटसन ने 40 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। दोस्तों, अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग की, तो सभी बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। पैट कमिंस के अलावा सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिली और सभी गेंदबाजों ने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की। राहुल त्रिपाठी की शानदार बल्लेबाजी के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। राहुल त्रिपाठी ने केवल 51 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। KKR को जीत दिलाने में राहुल त्रिपाठी का अहम योगदान था। तो चलिए दोस्तों, अब पॉइंट टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। KKR इसी जीत के साथ नंबर 3 पोजीशन पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर बात की जाए आज के मुकाबले के बारे में, तो आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के साथ है, जो कि खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे।